Hello and Namaskar. I welcome you all to IAS Hub. This is the another session for the source investigation series. हम ये particular series चालू करने का मकसद यही है IAS Hub का कि aspirants को questions के sources के अंदर तकलीफ ना पड़े और क्योंकि history इतना vast है, हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो इतने वास्ट हैं, हम आपके सोर्सेज को नैरो डाउन करना चाहते हैं क्योंकि यूपीएससी इन 4 सेशंस के अंदर जो अभी इससे पहले लिए गए हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ देखा है कि यूपीएससी का 1 से 2 मेजर सोर्सेज होते हैं व्हेनेवर दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल और मॉडर्न और इवन कल्चर। एंशिएंट के लिए उनका मेन सोर्स क्या होता है? इग्नू के नोट्स, या एंशिएंट के अंदर उनका मेन सोर्स होता है उपिंदर सिंह। अदरवाइज व्हेन वी स्विच टू मॉडर्न और मेडिवल इंडिया उनका मेन सोर्स क्या है? इग्नू के नोट्स। तो बस अगर हम ये चीज कर लें तो ऑटोमेटिकली वी विल बी रेडी फॉर एनी क्वेश्चंस दैट द यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क। मैं प्रीवियस सेशंस के अंदर मेरा मकसद ये भी रहा है कि मैं आपको ये भी चीज बताऊं कि आपको यूपीएससी के जो माइंडसेट है, जो एग्जामिनर का जो माइंडसेट है, उसके हिसाब से आप कैसे अपना दिमाग चलाएंगे और उसके वजह से आपका प्रीलिम्स के अंदर क्या बेनिफिट होगा। इन सीरीज का हमारा मकसद ये भी होता है कि हम एक एस्पिरेंट के माइंड को डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो कैसे भी सवाल पूछ लिए जाए हिस्ट्री में से वो उसके लिए रेडी रहे। क्यों? क्योंकि वो सारे सोर्सेस पढ़ के जाएगा जो यूपीएससी पूछेगा, जिसमें से यूपीएससी पूछेगा। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर सेशंस। सो today we will be discussing the prelims paper and the history questions of 2020 prelims paper. अब 2020 का ईयर बहुत ज़्यादा यादगार रहा है क्योंकि 2020 में ही पैंडमिक ने स्ट्राइक किया एंड फ्रॉम मार्च वी हैड अ लॉकडाउन एंड देन अक्टूबर 2020 के अंदर यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको कंडक्ट किया था। अब रिमेंबर पैंडमिक हुआ तो पैंडमिक के वजह से यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर के क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर भी आपको असर देखने मिलेगा बिकॉज पैंडमिक इट वाज एन इकोनॉमिक डिजास्टर। उसके वजह से हेल्थ का तो डिजास्टर रहा ही है बट इकोनॉमिक डिजास्टर भी रहा है। तो यूपीएससी ने सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर ही सवाल ज़्यादा और एकदम पेचीदा और एकदम लॉजिकल नॉलेजेबल सवाल नहीं पूछे बट उसने हिस्ट्री के अंदर भी इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ही सवाल पूछे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के अंदर आपको देखने मिलेंगे, मतलब 3 से 4 सवाल आपको इकोनॉमिक्स के संदर्भ में देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था कि भाई 3 वर्ड उसने दिए, औरंग है, बनियान है और मिरासीदार है। ये तीनों शब्दों को मैच द फॉलोइंग करिए और इसमें से कौन से सही है वो बता दीजिए। अब ये जो सवालात हैं अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे रहेंगे सोर्स इन्वेस्टिगेशन के तो उसके अंदर अब आपको पता रहेगा कि यूपीएससी का सोर्स क्या है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूछना है तो यूपीएससी के 3 सोर्सेज हैं, 1 इज इग्नू के नोट्स, दूसरा है एनसीईआरटी एंड तीसरा हो जाएगा आपका उपिंदर सिंह। तो ये जो चीज है, ये सबसे पहला जो औरंग है, औरंग इट हैज बीन डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी का 8वीं कक्षा का जो एनसीईआरटी का आपका बुक है उसके अंदर सीधा सीधा लिखा गया है। औरंग के बारे में एक अलग सा बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है व्हाट इज औरंग। औरंग इट इज अ वर्कशॉप जहां पर सारे सामानों को रखा जाता है। सीधा सीधा दिया गया है ना। सब लोग एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी के अंदर वो जो छोटे छोटे डब्बे दिए रहते हैं ना उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। 2 एग्जाम्पल्स आपको इसी पेपर में मैं दिखाऊंगा जो वो छोटे डब्बों में से आप कर सकते थे, मतलब टोटल 4 मार्क्स। और इस ईयर में 2020 में 0.5 से लोग रहे थे तो वो दर्द समझिए, तो वो छोटे छोटे डब्बों को मिस मत करिए। जब मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो यहाँ पर द नेक्स्ट वन इज बनियान। बनियान क्या है? बनियान यहाँ पर बनियान बोल सकते हैं या बनियान भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगेन यहाँ पर इकोनॉमिक्स की चीजें आप देख रहे हैं क्योंकि पैंडमिक आया था। ये जो सवाल है बनियान, बनियान में ये आपको सीधा बैठा बैठा कहाँ पर देखने को मिलेगा? यू विल फाइंड इट इन द इग्नू नोट्स। इग्नू के नोट्स के अंदर सीधा लिखा गया है कि भाई बनियान्स कौन होते हैं? बनियान्स होते हैं वो इंडियन मर्चेंट्स होते हैं और यही इंडियन मर्चेंट्स ने ब्रिटेन को भी रिप्रेजेंट किया था व्हेन दीज बनियान्स और मर्चेंट्स दे वर ट्रेडिंग अब्रॉड। विदेशों में गल्फ कंट्रीज में जब वो ट्रेड कर रहे थे, सो दे वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज बैनियंस. दैट इज वन थिंग. लेटर ऑन जो तीसरा वाला था मिरासीदार, यहाँ पे क्या बोला है? डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर, देखिए ये सीधा सीधा कहीं पर लिखा नहीं गया है, इसको समझना पड़ेगा. यूपीएससी वर्डिंग्स को चेंज कर देता है और यहाँ पर आपको वही चीज दिमाग लगाना है. मिरासीदार आपका अगेन कहाँ पर दिया गया है? इट इज गिवन इन टू द इग्नू नोट्स. ये कहीं और आपको नहीं मिलने वाला है. बैनियन भी कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इग्नू के नोट्स में ही मिलेगा आपको. मिरासीदार के बारे में क्या बोला गया है कि भाई मिरासीदार ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडिया देयर वाज अ सेक्शन इन द मराठास. यहाँ पर कुछ लोग थे जो लैंड होल्डर्स थे, एंड ये जो लैंड होल्डर्स थे दे वर ओनर्स ऑफ दोस लैंड. और जब वो ओनर्स रहते हैं, वो ओनर्स को हम बोलते हैं मिरासदार. और ये एनी ओनर ऑफ अ लैंड दे विल हैव टू गिव टैक्स. ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई ओनर है उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा. तो अगर बस हम जो मॉडर्न इंडिया है उसके अंदर अगर हम मराठाओं को बहुत अच्छे से कर लेते तो भाई अपने को पता रहता कि मिरासीदार क्या होता है, लैंड ओनर्स होते हैं. और लैंड ओनर्स, जाहिर सी बात है दिमाग ज्यादा लगाना नहीं था यहाँ पर, वही चीज आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था और वो थोड़े से नॉलेज के लिए सही सोर्स पता होना चाहिए था. वही सोर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सो दी Mirasidars, they were landowners and they paid a jodi. Jodi means a type of revenue that was paid to the state. So obviously the Mirasidars, they are designated revenue payer to the state. Banyan is Indian agent for the East India Company. ये दोनों सही है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, नहीं भाई वो चीज सही नहीं है, क्योंकि औरंग मतलब क्या वर्कशॉप होता है यहाँ पे. अब यहाँ पर ये सेशन के अंदर मैंने एक और नया चीज ऐड किया है कि यही पर्टिकुलर सोर्स में से जो हमने अभी यहाँ पर बात करा, इन सोर्सेज में से कौन से अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको यूपीएससी ध्यान में रखते हुए अगला सवाल पूछ सकता है. दैट इज हु आर दी टांटी और दी साले और दी करिकुलर और दी देवांग्स. कौन है ये लोग, क्या हैं? अपार्ट फ्रॉम द सराफ्स कौन होते हैं? So you will have to find this. It is a probable question in the future examinations. यहाँ पर इस सेशन के अंदर आप ये भी देखेंगे कि यूपीएससी जो इस अटेम्प्ट में पूछ रहा है वही वो आगे आने वाले अटेम्प्टों में भी पूछेगा. The next question that we move is to Buddhism. 2023 के अंदर आपने देखा है, 2022 में है. अब कितने हर साल तो बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछा ही जा रहा है. तो यहाँ पर अगेन अगर आप देखेंगे बुद्धिज्म के ऊपर ये सवाल पूछा गया है कि भाई स्थाविरावादिन दे बिलोंग टू द महायाना बुद्धिज्म. लोकातारावादिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासामगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. इसके अलावा द डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासामगिकास फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म. अब तीनों को अगर बुद्धिज्म अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा, एकदम स्टोरी लाइन में पढ़ा रहेगा, डिटेल में पढ़ा रहेगा, तो आपको इस सवाल को टैकल करने में कोई तकलीफ नहीं हुई होती. बट अगेन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इस चीज का सोर्स क्या है? सोर्स आपको अन्य बुक्स में से भी मिल जाएगा, कुछ रेफरेंस बुक्स में से भी मिल जाएगा. हाउएवर ये तीनों भी चीज आपको कोई एक रेफरेंस बुक में नहीं मिलने वाला. ये तीनों चीजें आपको एनसीईआरटीज में भी नहीं मिलेंगी, एकदम ओपन स्टेटमेंट में. ये चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है? इनटू दी इग्नू नोट्स. बैठा का बैठा इग्नू के नोट्स के अंदर आपको दिया जाएगा. पहला स्टेटमेंट देखें तो यहां पर आप देखिए, स्थाविरावादिन दे बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म. नहीं भाई, अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किया होता तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता चलता कि भाई दो कम्युनिटीज निकले थे, स्थाविरावादिन एंड महासामगिका. इसमें जो स्थाविरावादिन है वो आगे आने वाला हिनायान का फॉर्म था, वेरज महायान का फॉर्म था महासामगिका. तो ऑब्वियसली ये जो पहला वाला पॉइंट है इट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज महासामगिका इट बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज्म. इधर सीधा सीधा आप देख सकते हैं ओके दैट द महासामगिकास दे वर द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द महायान. आप इन सारे चीजों को, ये जो पीपीटीज हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आईएएस हब के प्रोवाइड कर दी जाएगी. आपने बस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना है, ऑल द पीपीटीज ऑफ दी सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी. द थर्ड वन इज द डिटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, मतलब बुद्धा के आइडल्स कब से बनाए गए. सिंपल एकदम सिंपल सवाल था. ये आप सबने पढ़ा है कि भाई हिनायान में आइडल वर्शिप होता है क्या, नहीं होता है. महायान में आइडल वर्शिप होता है क्या, हाँ होता है. तो ये तो पता ही है ना कि महायान इट वाज अ पार्ट ऑफ महासामगिका ना, इट वॉज इन द लेटर ऑन महायान महासामके का से ही बना था, सो ऑब्वियसली यहाँ पर डिटिफिकेशन भी तो हुआ ही रहेगा. सो द थर्ड क्वेश्चन अगेन इट इज गोइंग, द थर्ड पॉइंट इट इज अगेन गोइंग टू बी राइट. सो यहाँ पर बस पहला वाला गलत है लेकिन सेकेंड और थर्ड वन दे आर राइट. ये जो सेकेंड पॉइंट है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नाइदर इन एनसीईआरटी नाइदर इन एनी बुक्स. हाउएवर यहाँ पर जैसे मैं ये फर्दर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर आई विल गिव यू वन मोर टॉपिक जहां पर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है. आफ्टर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आफ्टर द फर्स्ट एंड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, टू बी प्रिसाइज, आफ्टर द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ कि बुद्धिज्म 18 अलग अलग सबसेक्ट में डिवाइड हुआ. वो 18 में से एक सबसेक्ट था लोकोतारा वादन. सो वो 18 के 18 सब्जेक्ट आप लोगों ने ढूंढ लेना है क्योंकि फर्दर प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर उसके ऊपर. अब यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम सोर्स आई हैव पिक्ड अप एंड आई हैव गिवन इट टू यू. ये एक्सरसाइज हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट डेवलप हो कि और इसी में से यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के अंदर शायद सवाल पूछ सकता है. तो आपने क्या करना है, इन सब चीजों को डिटेल में सर्च कर लेना है और जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ उन सोर्सेज में से प्रोबेबल टॉपिक्स को भी आप लोगों ने ढूंढ लेना है. ओके, द सिमिलर टॉपिक्स. लेटर ऑन जब हम तीसरे सवाल पे जाएं तो तीसरे सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि हुंडी जो पोस्ट हर्षा पीरियड में, दैट इज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज था जिसको यूज किया जाता था इन इंडिया, दैट इज नोन एज हुंडी. वो हुंडी का मतलब क्या होता है, अगेन आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली, 2020 वॉज द ईयर ऑफ पैंडमिक एंड इन द ईयर ऑफ पैंडमिक यूपीएससी इज मेजरली फोकसिंग ऑन विच सेक्शन, द इकोनॉमी सेक्शन. एंड इन द हिस्ट्री ऑल्सो इट इज गोइंग टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक हिस्ट्री. तो यहाँ पर अगेन एक और चीज आपको देखने मिल रहा है, हुंडी ये पार्ट है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री का. नाउ ये जो एस्पेक्ट है इन द पोस्ट हर्षा पीरियड क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज मैकेनिज्म्स थे जिसको यूज किया जाता था इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. कोई बाहर से आएगा तो वो बीच में एक एक्सचेंज मीडियम किया जाएगा. अब वो एक्सचेंज मीडियम इट वाज नोन एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और इट वाज आल्सो नोन एज द हुंडी. अब ये हुंडी के बारे में कहाँ लिखा गया है, इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन The other sources, but it has been mentioned जिन sources की मैं बात हमेशा से करते आ रहा हूँ, that is going to be the NCERT, the IGNOU notes and the Upinder Singh. सीधा सीधा बैठा बैठा दिया गया है. ओके, ये इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अचानक से पता चलेगा और बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वाओ, यू विल बी स्टार्टल्ड कि यूपीएससी का सेम सोर्स है सवाल पूछने का. सो दैट इज वन अनदर थिंग दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. So that is why our main focus for you is to focus on these sources जो हम आपको बता रहे हैं और जो मैं extra addition यहाँ पे किया है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे. Now just look at this source from Upinder Singh. सीधा सीधा दिया गया है हुंडी का क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, सीधा दिया गया है. और मैंने इसके पहले भी प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया है, सीधा एग्जाम्पल यूपीएससी ने ऐसा लगता है उपिंदर सिंह से सीधे सीधे स्टेटमेंट्स उठाए हैं. यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी क्या होता है, हुंडी अ बिल ऑफ एक्सचेंज. बस जस्ट लुक एट द वर्ड हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी अ बिल ऑफ एक्सचेंज. समझ आ रहा है आपको, सीधा सीधा. सो यूपीएससी इज पिकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. नाउ द अनदर एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको विद द एडिशन की क्या अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, एक तो कुशहेया और चीना मासूखा, ये क्या है, दूसरा है फनम, तीसरा है पगोड़ा, ये क्या है. यहाँ पर आप एक और चीज पढ़ सकते हैं दैट इज नोन एज द मोट्टूपल्ली इंस्क्रिप्शन. मोट्टूपल्ली इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पर है, और अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी आप देखेंगे जो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. इकोनॉमी हो गया या करेंसी हो गया. ओके, नाउ इकोनॉमी एंड करेंसी के अंदर आपको देखना है कि भाई अलग अलग जगहों पर ट्रेड भी तो होते होंगे ना, तो वो ट्रेड के अंदर भी क्या अलग अलग वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं. एक्सचेंज मैकेनिज्म्स, इकोनॉमी की ही बात करें तो एक्सचेंज मैकेनिज्म्स भी होते हैं, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म्स अलग अलग डायनेस्टी के टाइम पे अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे थे. वो कौन से वर्ड्स हैं वो भी आपको जानना है क्योंकि यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन सिंगुलर वर्ड्स ऑल्सो. नाउ इट विल गिव यू द सिंगुलर वर्ड्स. पहले यूपीएससी ने ये सवाल भी पूछा है, व्हाट इज फनम? फनम अगेन इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ही प्रिंसिपल है और वो भी करेंसी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज वन अनदर थिंग दैट यू कैन एक्चुअली सी लेटर ऑन। अगर हम बात करें सो द अनदर पॉइंट आगे देखें, सो देयर आर टू वर्ड्स, वन इज कुल्यवापा, अनदर इज द्रोणवापा, ठीक है। अब ये द्रोणवापा और कुल्यवापा क्या होता है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ कुल्यवापा एंड द्रोणवापा, यूपीएससी ने बोला कि इन चारों ऑप्शंस में से इसके ऊपर क्या ज्यादा लागू होगा। इस ये जो पूरा पॉइंट है ये यूपीएससी ने कहां पर मेंशन किया गया है, सीधा सीधा इट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, द इग्नू नोट्स एंड उपिंदर सिंह। देखिए कितने मैच कर रहे हैं ये सोर्सेस। सीधा सीधा क्या हो रहा है, कुल्यवापा एंड द्रोणवापा कहां पर लिखा गया है, दिस इज इन द इग्नू नोट्स, सीधा बैठा लिखा गया है। व्हाट इज इट, निवर्ताना was used as a term which was used for measure of land. Another terms that was used as a measure for land were Kulyavapa and Dronavapa. So ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये दोनों terms use किए जाते थे। कुल्यवापा, अब ये उपिंदर सिंह है, कुल्यवापा का एरिया कितना है 12 से 16 एकड़, द्रोणवापा का एरिया कितना है 1.5 से 2 एकड़। अब यहां पर ये चीजों को आपने ध्यान देना है। अब सिमिलरली अगर मैं सम एग्जांपल्स फ्रॉम द सेम सोर्स की बात करूं कि यूपीएससी आगे क्या पूछ सकता है, सो यूपीएससी कैन आल्सो आस्क व्हाट इज खिला, व्हाट इज अपराहता, व्हाट इज क्षेत्र, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज गोइंग टू बी अंगुला, व्हाट इज हस्ता, व्हाट इज धानु और अन्य चीजें, व्हाट इज तड़ागा, व्हाट इज घंटी यंत्र और व्हाट इज अग्राहता। ये सब चीजें यूपीएससी पूछ सकता है और ये सब चीजें किससे, कौन से डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, विद द गुप्ता डायनेस्टी। सो यूपीएससी यही सोर्सेज में से सवाल पूछ रहा है। अगला सवाल की अगर हम बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियाज कल्चरल हिस्ट्री, ये पर्टिकुलर टर्म पारमिता से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर भी आप देख के चौंक जाएंगे कि यूपीएससी कहां से सवाल पूछ रहा है। आपके दिमाग में अब ये आपके दिमाग में अभी आ चुका रहेगा कि कहां से सवाल रहेगा, तो एकदम सही सोचा आपने, कहां से है, इग्नू के नोट से और उपिंदर सिंह से। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यूपीएससी क्या कर रहा है, सीधा सीधा वो स्टेटमेंट ही उठाएगा और कोई चांसेस में क्या होता है, यूपीएससी थोड़ा सा उसको चेंज करेगा स्टेटमेंट को। नाउ जस्ट लुक एट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट हियर, क्या बोला गया है, परमिताज क्या होते हैं इन चारों में से। अब ये चारों आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, बट आई विल जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। One could become a bodhisattva by performing the meritorious acts or paramitas. Paramitas किसको बोला जा रहा है, meritorious acts को। अब ये छोड़िए, सीधा सीधा just look at this particular thing. Bodhisattva path involved the attainment of a number of perfections. A number of perfections known as paramitas. Now read the statement. Paramitas, perfections whose attainment led to bodhisattva path. Read the statement. It involved attainment of a number of perfections. सेम ही हुआ ना, क्या अलग हुआ, एक आध दो वर्ड का ही तो फेर है। तो यूपीएससी ने क्या कुछ बदला है क्या यहां से, नहीं। सो ये दूसरा सवाल है जो आप देख रहे हैं कि सीधा बैठा टू बैठा यहां पर पूछा जा रहा है। अलग दूसरे सवाल आपसे क्या पूछे जा सकते हैं ऑन दिस सिमिलर थिंग ओनली, व्हाट इज परिहराज, व्हाट इज परिनिभन्ना, व्हाट इज अर्हत। तो ये चीजें आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल के तरफ बढ़ें तो द नेक्स्ट इज उलगुलन। उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमुल्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब लेक्चर स्टार्ट किया उसी के अंदर मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के एनसीईआरटी के अंदर वो छोटे जो डब्बे होते हैं उसको कभी मिस मत करिए, जो मैप्स बने होते हैं उसको कभी मिस मत करिए, क्योंकि यूपीएससी उसमें से भी सवाल पूछता है। और वही हुआ यहाँ पर उलगुलन। देखिए ये जो है ये एनसीईआरटी का स्नैपशॉट है, क्या लिखा गया, द उलगुलन लेड बाय बिरसा मुंडा। एनसीईआरटी से पूछ लिया बैठा बैठा। दूसरा सोर्स क्या होगा, अभी तक याद रहेगा आपको, इग्नू के नोट्स। इग्नू के नोट्स में सीधा सीधा क्या दिया गया है, बिरसा मुंडा एंड हिज उलुगुलन द ग्रेट ट्यूमुल्ट। क्या लिखा गया, उलुगुलन और द ग्रेट ट्यूमुल्ट। सीधा सीधा है बैठा बैठा। तो क्या कर रहा है यूपीएससी, कहां से उठा रहा है, यही है सोर्स उसका। सो तीन सोर्सेज हम मेजरली देख रहे हैं, इग्नू के नोट्स, उपिंदर सिंह एंड एनसीईआरटीज। ओके, यहां पर मैंने अब एडिशनल क्वेश्चंस आपको नहीं दिए क्योंकि अब इतने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उससे मैं आपका एक माइंडसेट डेवलप करना चाहता था। आगे आने वाले सीरीज के अंदर भी हम स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस के अंदर हम प्रोबेबल क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो डिस्कस हम कर रहे हैं उसके अंदर आप वो क्वेश्चंस बनाएंगे ये सारे सोर्सेज में से। दैट इज योर टास्क। और जब आप ये चीज करेंगे तभी समझ लेना प्रीलिम्स क्लियर करने के नजदीक हैं आप। ओके, सो बी, ये प्रैक्टिस रखना है आपने। अगला सवाल अगर हम देखें तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं मैच द फॉलोइंग करना है और इसमें से कौन सा सही है। पहला वर्ड है परिव्रजक, रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, श्रामणा एंड उपासका। अब ये जो चीजें हैं ये आपको एनसीईआरटी में इतना क्लियरली नहीं देखने मिलेगा, बट एनसीईआरटी के अलावा दिस इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो ऑब्वियस सी बात है ये कहां पर ये पूछा जाएगा, ये जस्ट फॉरगेट दिस। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। नाउ यर एंशिएंट इंडिया के अंदर मेजर सोर्स क्या है आपका, ये जो मेजर सोर्स है आपका ये हो जाएगा उपिंदर सिंह एंड द इग्नू नोट्स या तो एनसीईआरटी छोटे में छोटा। अब जस्ट लुक एट दिस, उपिंदर सिंह में सीधा सीधा लिखा गया है क्या, तपावासिन, श्रामणा, सन्यासी, परिव्रजक, योगी। ये जो है ये वाला जो पॉइंट है ये इग्नू का है, उपिंदर सिंह इज दिस। ये पांचों चीजें क्या बात कर रही है, दे आर ऑल रिनाउंसर्स, दे टेक टू अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। एंड परिव्रजक के बारे में क्या बोला, इट इज अ लाइफ ऑफ अ वॉन्डरर। अगर आप ये पूरे पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा बैठा बैठा समझ जाएगा कि भाई यूपीएससी ने तो सीधा सीधा यहीं से उठा लिया, रिनाउंसिएशन एंड द वॉन्डरर। सीधा देखिए व्हाट इज इट, परिव्रजक, अ लाइफ ऑफ अ वॉन्डरर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, श्रामणा। श्रामणा यहां पर लिखा गया, एक तो है श्रामणा लिखा गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए इन द उपिंदर सिंह भी लिखा गया है। परिव्रजक मतलब क्या, वॉन्डरर। यहां पर श्रामणा, द श्रामणा, संस्कृत में उसको श्रामणा बोला जाता है, वेर एज इन पाली इट इज नोन एज सामना। संस्कृत में श्रामणा है तो श्रामणा क्या है, वन हु स्ट्राइव्स। नाउ यहां पर क्या दिया गया है, श्रामणा मतलब प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, तो ये प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस थोड़ी है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, सो ऋग्वेदिक के बाद जो बुद्धिस्ट और जो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स आए, वो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स को हम क्या बोलते हैं, श्रामणिक स्कूल्स भी तो बोलते हैं। द पीपल हु स्ट्राइव फॉर देयर ओन सैल्वेशन, so that was the main intention of Shramanic schools. So this is wrong. The second statement is wrong. तीसरा उपासका, कहीं नहीं मिलेगा आपको, you search it anywhere, you will not get it anywhere. But one source है, कहाँ पर है? That is Upinder Singh. उपासका मतलब क्या? The people who are taking refuge in the Buddha, और जो बुद्धिज्म के नीचे refuge ले रहे हैं, okay? सीधा सीधा उपासका, ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। सो सीधा बैठा दिया गया है ना। सो वेयर इज यूपीएससी आस्किंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वर्क ऑन स्मार्टनेस। ओके, स्मार्ट स्टडी करिए क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही आप क्लियर करेंगे। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको डाइवर्स नॉलेज नहीं चाहिए, बट आपको एक्यूरेट नॉलेज चाहिए फ्रॉम द एक्यूरेट सोर्स। ओके, 20% पढ़िए, 20 to 30%, क्योंकि उसी 20 to 30% में से यूपीएससी सवाल पूछता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट स्टडी। फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी। लेटर ऑन यहां पर बोला जा रहा है कि भाई एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में ये तीन टाउन्स हैं, दैट इज घंटाशाला, चौल एंड कदूरा। ये तीनों टाउन्स, इन चारों ऑप्शन में से क्या है, क्या वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स है, पावरफुल किंगडम्स है, फॉरेन ट्रेड के लिए पोर्ट्स हैं, या एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं, क्या होते हैं ये? अगर आप इसके अंदर भी एकदम ढंग से देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो एस्पेक्ट है वो बहुत कम आ रहा है इसमें। लेकिन सोर्स क्या है, सोर्स अगेन मैं बोलूंगा दैट इज द सेम थिंग, दैट इज इग्नू नोट्स एंड उपिंदर सिंह। अगेन ये जो आप तीनों चीजें देखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ योर उपिंदर सिंह। ओके, यहां पर घंटाशाला क्या है, इट इज अ पोर्ट। सीधा सीधा बैठा बैठा दिया गया है, घंटाशाला इज अ पोर्ट। घंटाशाला का एक दूसरा नाम है, चौल इसका भी एक दूसरा नाम है, बट इट इज ऑन दी कोस्ट, दैट इज ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। तो मतलब क्या हो गया, ये पोर्ट हो गया। सो दिस इज वन थिंग। यहां पर दिस इज अ मैप दैट वाज गिवन बाय दी इग्नू। इग्नू के ये मैप है और ये मैप के अंदर अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, दिस इज द पोर्ट्स एंड दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस इन द फ्यूचर दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी। सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो। सो दैट इज वन थिंग। ऑलराइट, नाउ ये देखिए यहाँ पर आपने पूरा नाम ध्यान रखना है। यर चाउल कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट पे, नियर कलीना। कलीना, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये सब चीजें हम हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर देखेंगे इन आर नॉर्मल थिंग, बट दिस इज हाउ यू हैव टू गो। ऑलराइट, और ये आप कहाँ पर देख सकते हैं? हमारे जो आर्ट एंड जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स है, हाई आउटपुट थीम्स है, उसके अंदर भी मैंने इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट। सो विद दिस वी विल एंड टुडेज सेशन। ये सेशन के अंदर हमने क्या देखा? वी सॉ यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रहा है, उसके अलावा यूपीएससी का माइंडसेट क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सॉ द प्रोबेबल क्वेश्चंस जो यूपीएससी फ्यूचर में पूछ सकता है, जो हमने सेम सोर्स से निकाला। हमने कुछ सवाल देखे, आप बाकी के सवाल करेंगे। सो दिस इज द होलिस्टिक थिंग, और ये हमारा पर्पस है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। 20 to 30% ऑफ द कंटेंट में से आप प्रॉब्लम्स क्लियर करें। सो फोकस ऑन दी सोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी, आप यूपीएससी प्रॉब्लम्स एकदम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो विद दिस आई थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग आईएएस हब।